नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, गणेशोत्सव की आपको ढेरों शुभकामना। इस गणेश चतुर्थी पर भगवान मंगल मूर्ति आपके मन की कामना पूर्ण करें, आपको अच्छा स्वास्थ्य दें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसा ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन आपके लिए हृदय से प्रार्थना करते हैं। मित्रों, अक्सर बप्पा को स्थापना के विषय में आपने सुना होगा या फिर आपने स्थापना करी भी होगी। आज आपको एक ऐसी सरल विधि बताते हैं, जब आप बप्पा को स्थापित करेंगे तो पूजा का पूर्ण फल आपको कम समय में अवश्य मिलेगा। देखिए, वैसे तो भगवान गणेश की उपासना करने का समय कोई निश्चित नहीं होता, आप कभी भी मंगल मूर्ति की पूजा उपासना उनके मंत्र जाप कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं मित्रों कि गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन से अनंत चतुर्दशी तक एक 10 दिन का गणेश उत्सव मनाया जाता है। एक बात और कि जब आप मंगल मूर्ति को अपने घर में लाएं तो शुभ समय में आप उन्हें लेकर आएं और अपने घर की पूर्व दिशा में एक लकड़ी का पटरा रखिए, लाल या पीले रंग का चमकीला वस्त्र बिछाकर, थोड़े से अक्षत बिछाकर आप बप्पा को वहां पर स्थापित करिए। दूर्वा ले लीजिए, दूर्वा से उनको स्नान कराइए, जल का छींटा दीजिए, रोली मोली चावल धूप दीप पंचमेवा फल सिंदूर नारियल जनेऊ मीठा पान मोदक और इसी के साथ ही लग्न मंडप सुपारी आप उन्हें 5 की संख्या में अर्पित कर दीजिए। मित्रों, ये तमाम सामग्री आप बप्पा को अर्पित करेंगे तो आपको शुभता की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर आपके पास ये सामग्री नहीं है, समय का अभाव है, धन का अभाव है, तो बिल्कुल ना घबराइए, थोड़ी सी दूर्वा ले लीजिए। दूर्वा आपको आसपास या आपके नज़दीकी किसी पार्क में आपको बड़े आराम से मिल जाएगी। 108 की संख्या में आपको हरी दूर्वा लेनी है। लाल कलावे की सहायता से या किसी लंबी दूर्वा की सहायता से आप इन सारी दूर्वा को एक बंच बनाइए, बांध लीजिए, एक गुच्छा बना लीजिए। अब इस पर पीली हल्दी का आपको छींटा देना है। ओम नमो विघ्नहराय गंग गणपते नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है और अपने घर में पूर्व दिशा में पहले से ही स्थापित भगवान गणेश को आप ये दूर्वा अर्पित कर दीजिए। मित्रों, मात्र 5 मोदक आप उन्हें अर्पित करें, 1 मोदक प्रसाद के रूप में आप में घर में रख लें और बाकी के 4 मोदक आप बच्चों में या बुजुर्गों में बांट दें। ये छोटा सा उपाय भगवान गणेश की चतुर्थी के पर्व पर अगर आप करेंगे तो मान के चलिए हर विघ्न हर संकट से आप बचे रहेंगे, क्योंकि बप्पा जो है बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं और रुद्रावतार भी हैं। उनकी पूजा उपासना से हर दुख संकट और परेशानी से बचा जा सकता है। तो मित्रों, ये सरल सी विधि आप जरूर अपनाइएगा, आपको भरपूर लाभ होगा। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।